वेलकम एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेमलेट के कुछ एम को पिछली वीडियो में हमने हेमलेट की स्टोरी को डिस्कस किया था तो इन क्वेश्चन को करने से पहले अगर वो स्टोरी सुन लेंगे तो बेटर रहेगा उसके बाद फिर यह एम अच्छी तरह कर पाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेमलेट वॉज रिटन बाय हेमलेट को लिखा किसने है विलियम शेक्सपियर ने द सेटिंग ऑफ हेमलेट इज़ यानी कि जो जगह है हेमलेट में वो क्या कहाँ की है डेनमार्क के स्थान पर इसकी सेटिंग रखी गई है डेनमार्क में हु इज प्रिंस हेमलेट्स फादर प्रिंस हेमलेट के पिता का क्या नाम है किंग हेमलेट है और हु इज प्रिंस हेमलेट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड हो रेशियो ठीक है दो फ्रेंड और और दो फ्रेंड्स का भी जिक्र हुआ है इसमें लेकिन जो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है वो हो है हु डिलीवर्स द फर्स्ट लाइन ऑफ हेमलेट जो ये हेमलेट प्ले है इसकी फर्स्ट लाइन कौन डिलीवर करता है एक बर्नार्डो नाम का आदमी है जो फर्स्ट लाइन बोलता है और वो फर्स्ट लाइन है हु इज़ देयर कौन है जैसे जब कोई भूत वगैरह होता है तो कोई बोलता है ना कौन है उधर तो बर्नार्डो है जो फर्स्ट लाइन इसकी बोलता है और वो लाइन है इज़ देयर और हु आर द फर्स्ट टू करेक्टर्स टू अपीयर ऑन स्टेज इन हेमलेट ये एक प्ले है तो इसमें जो पहले दो करेक्टर्स होते हैं एक तो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है बर्नार्डो जो हु इस देर पूछता है फिर जो इसका आंसर देता है फ्रांसिस्को ठीक है तो पहले दो जो करेक्टर्स हैं वो बर्नार्डो और फ्रांसिस्को हैं उसके बाद है हेमलेट वाज पब्लिश इन हेमलेट को पब्लिश कब किया गया था सिक्सटीन जीरो थ्री इसको राइट करके पब्लिश राइट किया गया मतलब जब पब्लिश किया गया पढ़ने के लिए रीड करने के लिए Uh, पहले तो इसको परफॉर्म किया गया था एज ए प्ले पोलोनियस इज किल्ड बाई इन द प्ले हेमलेट पोलोनियस जो ओफेलिया का uh, फादर था उसको किसने किल किया था हेमलेट ने किया था गलती से हु इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क क्वीन कौन है डेनमार्क की गर्ट्रूड जो हेमलेट की मदर है हु इज़ प्रिंस हेमलेट्स लवर इन द प्ले ओफेलिया उसकी गर्लफ्रेंड कौन है ओफेलिया नाम की लड़की है जो पोलोनियस की डॉटर है हु इज द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे इन द प्ले हेमलेट नॉर्वे का प्रिंस कौन है फोर्टिन ब्रास वट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट प्ले विद इन द प्ले कौन सा है द मर्डर ऑफ गेंगो यानी कि इस प्ले के अंदर किसी और के मर्डर की जो स्टोरी होती है वो है मर्डर ऑफ गोंगो हु मर्डर्ड फ फोर्टीन ब्रास फादर इन द प्ले हैमलेट इसमें जो कहाँ का प्रिंस था नॉर्वे का जो प्रिंस था नॉर्वे का जो प्रिंस था ये फोरटीन ब्रास उसके पिता को कौन मारता है किंग हेलट ने उसके पिता को मारा हुआ है पहले हु किल्ड किंग हेमलेट अकोर्डिंग टू द घोष्ट ऑफ किंग हेमलेट घोट उसके किंग हेमलेट के घोष्ट ने क्या बताया है? कि उसकी हत्या किसने की है उसके भाई क्लोडियस ने हु डज गर्ट्रूड मैरी आफ्टर हज हर हजबेंड्स डेथ फिर क्वीन ऑफ जो डेनमार्क है गर्ट्रूड उससे कौन शादी करता है किंग हेमलेट की डेथ के बाद किंग हेमलेट का भाई क्लोडियस उससे शादी करता है अब डैश एंड डैश द कोटियर्स सेंट बाय क्लोडियस टू नॉर्वे टू प्रिवेंट एन अटैक फ्रॉम फोर्टीन ब्रास किसको भेजता है वो नॉर्वे क्लोडियस अटैक से बचने के लिए वो भेजता है कॉर्नीलियस और वोल्टीमेंट इन दो व्यक्तियों को वो वहाँ पे भेजता है वेयर ड पोलोनियस गेट किल्ड बाई हेमलेट हेमलेट पोलोनियस को कहाँ मारता है इन गटरूड्स चैम्बर जब वो अपनी मदर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है किसी बात को लेके तो वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ हो होता है पोलोनियस तो उसको लगा कि यहाँ क्लोडियस छुपा है तो वो इसलिए गलती से मार देता है अपनी मदर के चैम्बर में यानी कि गटरूड के चैम्बर में था उसके जो महल होता है हरम होता है रूम होता है गेट का वहाँ पे छिपा हुआ था वो फाइंड द ऑड वन आउट ग्लू सेस्टर ओजरिक फ्रांसिस्को रायनाल्डो यानी कि ये करेक्टर्स हैं हेमलेट के इनमें से ये ग्लू ग्लू सेस्टर अलग है शायद ये हेमलेट का करेक्टर नहीं है हु इज सेंट टू फ्रांस बाई पोलोनियस इन द प्ले हेमलेट हैमलेट हेमलेट में फ्रांस किसको भेजा जाता है पोलोनियस के द्वारा यानी कि पोलोनियस जो है फ्रांस किसको भेजता है राइनाल्डो को भेजता है हाउ डज ऑफिलिया डाई इन द प्ले हेमलेट ऑफिलिया मरती कैसे है शी इज पॉइजनड शी फॉल्स ऑफ शी ड्रोन्स और शी टैप ट्रू डेथ शी ड्रोन्स ठीक है आत्महत्या कर लेती है वो खुद डूब डूबाब के हु इज़ ब्रदर इन द प्ले हेमलेट ऑफिलिया के भाई का क्या नाम है लार्टस उसके भाई का नाम है हेमलेट एंड लार्टस इंगेज इन ए मैच ऑफ डैश टुअर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले उनका एक मैच होता है तो जिसके द्वारा प्ले का अंत होता है वो कौन सा मैच होता है फेंसिंग का फेंसिंग हु किल्स प्रिंस हेमलेट हेमलेट इन द प्ले कौन मारता है हेमलेट को लार्टस मारता है उन दोनों की लड़ाई हुई है आपस में और तलवार पे कुछ पॉइजन लगा हुआ है जिसकी वजह से कि हल्का सा भी कट भी लग जाए तो भी मरना ही है उसको हु किल्स क्लोडियस इन द प्ले हेमलेट क्लोडियस को फिर कौन मारता है प्रिंस हेमलेट मरने से पहले वो क्लोडियस को मार देता है हाउ डज़ क्वीन गर्ट्रूड डाई इन द प्ले क्वीन गर्ट्रूड कैसे मरती है वो पॉइजन वाली ड्रिंक पी के शी इज़ पॉइजन ठीक है और हु बिकम्स द किंग ऑफ डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले हेमलेट फिर राजा कौन बनता है फोर्टीन ब्रास राजा बनता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज़ अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले अब इतने सारे कैरेक्टर्स में से कौन कौन जिंदा जिंदा बचता है इनमें से गटरूड मर जाती हेमलेट है, मर जाता है ओफेलिया भी मर जाती है तो इनमें से हरेशियो बचा है सिर्फ जो हेमलेट का दोस्त है